नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जहां कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के सहारे से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, वहीं दूसरी ओर आज राज्यसभा में उन्होंने एक शायरी की मदद से कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला है। आप भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शायराना अंदाज में कांग्रेस पर एक बार फिर से पलटवार किया है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये अमृत 5 साल के हमारे कार्यकलाप से देश की जनता ने अमृत रूप में जोड़ा है, लेकिन हमारे आजाद साहब को कुछ धुंधला नजर आ रहा है। जब तक राजनीतिक चश्मे से चीजों देखी जाएगी तो धुंधला ही नजर आएगा, और इसलिए मैं समझता हूं कि इन राजनीतिक चश्मे उतार करके हम देखना शुरू करेंगे तो धुंधला नजर नहीं आएगा, उज्जवल भविष्य नजर आएगा। और शायद ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही गालिब ने बहुत बड़ी से मजेदार बात की, और आजाद साहब को ऐसी चीजें जल्दी अच्छी लगती है। ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। यहां पर हमें काफी उपदेश दिया गया, कभी कभी तो अखबार में चीज आ जाती है, लेकिन जब मेरे सांसदों की मंगलवार को मीटिंग होती है, मैं सार्वजनिक रूप से बोलचाल में जो कुछ भी करते हैं उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता हूं, सुधारने का प्रयास करता हूं। यहां पर हमें आज समझाया गया कि फलाने ने ऐसा किया था, ढिकने ने ऐसा किया था, अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया गया था और एक इंडिपेंडेंट को कैंडिडेट बना करके जीता दिया गया था। अब वो तो कुछ पार्टियों का इतिहास है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को भी हरा देते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कांग्रेस पर दूसरी बार हमला बोला है, लेकिन यहाँ पर उनका अंदाज शायराना हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।